आदाब नाजरीन, मैं आपके साथ इमरान हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं आरएन टुडे न्यूज़। क्राइम मीटिंग में बिजनौर जा रहे अफजलगढ़ थाना प्रभारी की गाड़ी गन्ने से भरे ट्रक से टकरा गई, जिसमें थाना प्रभारी अमरा व चालक सहित 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को धामपुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ सबकी हालत सामान्य बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार शनिवार की देर शाम थाने की गाड़ी के चालक रमेश चंद्र, थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार चौधरी, हेड कांस्टेबल रवि मलिक, कांस्टेबल सचिन कुमार व आसिफ को लेकर क्राइम मीटिंग में बिजनौर जा रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी धामपुर अफजलगढ़ मार्ग स्थित गांव घोसियावाला के पास पहुंची, तो सेंटर से गन्ना भरकर हाईवे पर चढ़ रहे ट्रक ने उनकी सरकारी गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसमें गाड़ी में बैठे 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को धामपुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी का उपचार चल रहा है। बताया जाता है कि सभी की हालत सामान्य है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है तथा अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए हमारे संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आरएन टुडे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।